फ्लाइट इज़ अराउंड 10:30 PM टू दिल्ली और पहले इसलिए आए बिकॉज वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम एमिरेट्स में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ऐसा हमारे पास मैसेज आया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज का जो वीडियो है मैं पूरा रिकॉर्ड करना चाह रही थी ताकि मैं आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं दुबई टू दिल्ली जाने का कैसा बुरा प्रोसेस है। लेट्स डॉक्यूमेंट इट टुगेदर सो दैट हम सबके ये काम आए। और फ्लैशबैक में ले चलती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैंने अपना कोविड टेस्ट दुबई में कहाँ कराया था। मुझे 130 दिरहम्स पर पर्सन का मेरा कोविड टेस्ट हो गया था। Sorry for that, because we'll have to do extra fees for India, that's the reason. Okay. तो अभी इन्होंने बताया कि इंडिया जाने के लिए हम सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप नहीं कर सकते, विच इज सैड। आई होप हम सही लाइन में आए हैं। ये है पूरा चेक इन एरिया 4 पर आई डोंट नो उधर वाली जो लाइन है वहाँ पर तो ऐसी लाइन लगी हुई है ना, मतलब आई होप हमें कोई भगाए ना कि तुम गलत लाइन में आ गए सी। और हम सीधे यहाँ आ गए, हमारे पास सामने कोई लाइन नहीं है। लेट्स सी। Then headed to the smart gate to do our immigration. So finally, हमने security check कर लिया, immigration कर लिया, baggage submission कर लिया, सब कुछ करके हम अपने gate के सामने बैठ गए हैं आराम से। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है दुबई एयरपोर्ट की, मतलब मुश्किल से 20-30 मिनट्स के अराउंड सारा काम हो गया हमारा। सबसे बेस्ट बात थी, अगर आप भी आते हैं दुबई एयरपोर्ट तो स्मार्ट चेक कीजिएगा, स्मार्ट इमिग्रेशन गेट पे जाइएगा। अपने आप आपको बस अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा, अपनी फ़ोटो खुद क्लिक हो जाएगी आपकी एंड आप जूम आराम से सिक्योरिटी चेक पर जा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे ही ट्रे से सामान निकाल रहे थे लोग, तुरंत एक बंदा स्प्रे कर रहा था, सैनिटाइज कर रहा था उन ट्रेस को, विच वॉज वेरी नाइस। वन थिंग विच आई डिड है वॉज कि हमने एयर सुविधा का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया, उसमें हमने अपना कोविड टेस्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑलरेडी कर दी, सो दैट हमें वहाँ पे पहुँच के एयरपोर्ट पे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़े। हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उनके लिए। एयर सुविधा का लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ये बोलती है कि 72 आवर्स बिफोर फ्लाइंग यू नीड टू फिल दैट एयर सुविधा फॉर्म विद ऑल योर डिटेल्स, बट आप थोड़ा सा लेट भी करेंगे तो चलता है, क्योंकि मेरा विदिन 48 आवर्स तो हमें कोविड का टेस्ट कराना था और कोविड का टेस्ट रिज़ल्ट आया आई थिंक 36 आवर्स पहले,
हमारी फ्लाइट के एंड वी फिल्ड द एयर्स विद आवर फॉर्म एंड दे स्टिल एक्सेप्टेड आवर फॉर्म. तो देखते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या हाल होता है. ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बट लेट्स सी. कम ऑन. फ्लाइट से निकलते ही हमारे बोर्डिंग पासेस चेक हो रहे थे फॉर पैसेंजर्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम यूके कॉज उनको शायद मैंडेटरी क्वारंटीन में भेजना है. असुविधा का फॉर्म ऑनलाइन भरने से हमारा बहुत टाइम बचा एंड हम डायरेक्टली इमिग्रेशन पे पहुंच गए थे. हालांकि वहां बहुत भीड़ थी और काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग मना के रखना काफ़ी मुश्किल था बट वी मैनेज्ड. One tip for you, please make sure to bring your COVID test report. Otherwise, इस पूरी भीड़ में आपको खड़े होकर टेस्ट कराना पड़ेगा. Thank you for watching this video. I hope आपको सारी information मिल गई होगी अगर आप Delhi travel कर रहे हैं. If you have any more questions, please feel free to comment below. I'll try to answer all your queries. जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना. बाय.